फिलहाल जो है कि दोस्तों पूरी की पूरी गाय बैठ गई थी, लेकिन आज सुबह 4 बजे फिर से बारिश आया और थोड़ा बहुत कीचड़ कर दिया, इसकी वजह से नहीं बैठी है, नहीं तो पूरी गाय बैठ गई थी दोस्तों, ये भी वो भी सबकी सब। हेलो दोस्तों, कैसे हो, क्या कैसा है, आई होप आप सब मौज में हो, मैं एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल जो है कि आज का सीन कुछ ये है कि अभी मैं चल रहा हूँ पोपट मामा के घर पे, फिर वहाँ से अगला काम क्या है वो तो आपको आगे बताएंगे, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। फिलहाल जो है कि दोस्तों मुझे आज इतना काम है कि क्या बताऊँ दोस्तों, हद से ज्यादा, क्योंकि आज मुझे निकलना है गुजरात। अभी गुजरात किस लिए निकलना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो है कि आगे हम पोपट मामा घर पे, पोपट मामा जो है कि भैंस के लिए यहाँ पे शेड बनाने वाले थे, लेकिन पोपट मामा को मुहूर्त ही नहीं आया और बनाया भी नहीं। फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी आ गए हैं पोपट मामा के घर पे। फिलहाल हम गए थे एक पहाड़ पे, हालांकि पहाड़ देखने के लिए उतना टाइम नहीं था क्योंकि पोपट मामा को भैंस लेके जाना था। उस पहाड़ पे जो है कि अभी पोपट मामा के पास सिर्फ भैंस ही है, भैंस का और गाय का तालमेल नहीं होता। अभी पोपट मामा के पास सिर्फ 3 गाय है, 1, 2, 3 और एक कहाँ गई, 4 थी ना, 4 है। तो मामा बोल रहे हैं कि 2 और छोड़ देते, एक ये और एक ये, तो ये दोनों जो है कि भाई वहाँ पे छोड़ने के लिए जाना है। तो मामा जाएंगे अभी शाम को ही जाएंगे और छोड़ के आएंगे। क्रॉस कहाँ करें आज, फाइनली जो है कि दोस्तों मामा ने चाय बनाई है। मामा बस बस है, मामा गाय की जो अरे तेरे से ज्यादा वजन है उसका। भैया चलो दोस्तों अभी जो है कि फटाफट गाय वगैरह जो है कि छोड़ते हैं और दूसरा काम करना, और फाइनली जो है कि दोस्तों तुम्हारे भाई को आज निकलना है गुजरात शाम को। आज 7:30 बजे जो है कि भाई मुझे यहाँ से निकलना है गुजरात। तो अभी गुजरात जो है कि मैं 2 दिन जाने वाला हूँ, तो 2 दिन जो है कि यहाँ का पूरा काम काज जो है कि हमारा हरी भाई संभालेंगे, और इसके खंधे पे हाथ रखने के बाद भाई ऐसा देखो कितना फर्क, ऐसा रहना पड़ता है। अभी इतना खंभे जैसा लंबा क्यों हो गया है तू, हाइट बढ़ गई ज़्यादा, क्या करें, ऐसा करना पड़ता है। देखो इससे ये मेरे से बड़ा लग रहा है, देखिए मैं छोटा है तू, तेरे से मैं छोटा हूँ तेरे से। कॉमेंट आती है कि भाई बड़ा कौन है, सबसे बड़ा मैं हूँ भाई, फिर 2 नंबर सूरज भाई, 3 नंबर हरी भाई, 4 नंबर माला भाई, 5 नंबर महेश भाई, हम 5 भाई हैं। चलो फटाफट से छोड़ दो दोस्तों, आज पूरी गाय बैठ गई थी, काबरी को चेंज कर लिया था वहाँ पे, अभी बांधा है सुबह क्योंकि मिल्किंग के टाइम दिक्कत देती है, तो फिर इधर बांध दिया था, सब गाय बैठ गई तो आज छोड़ा नहीं। और हालांकि अभी 15-20 मिनट पहले थोड़ा बहुत बारिश आया था, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। ये साइड की जो है कि दोस्तों सब गाय जो है कि बैठ गई है। चलो उठो, हटो, उठ जा। अभी जो है कि दोस्तों मस्त कड़क वाला धूप पड़ा है एकदम जबरदस्त, ये अभी आज खत्म हो जाएंगे, आज का दिन का है। आज अगर गन्ना मिल गया तो अच्छा है दोस्तों, अभी पता नहीं गन्ना मिलता है या नहीं, आज देखते हैं, आज गन्ना लेने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि वो भी बंद था दोस्तों, अभी लगभग ऐसा समझो कि 2-4 दिन से बंद है वो। मामा बोले कि भाई मेरी दोनों गाय जो है कि वहाँ पे जाके छोड़ के आया, मैंने बोला अभी मामा एडजस्ट नहीं होगा मेरा, क्योंकि मेरे को आज दिन भर काम है मेरा जो है कि भाई पूरा बैग भी पैक करना है और स्विमिंग वगैरह करवाना है और शाम कुट्टी भी लेने के लिए जाना है। तो मैंने बोला मामा एडजस्ट होगा नहीं क्योंकि लेट हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मामा बोल रहे हैं कि 5 बजे के बाद छोड़ने के लिए जाएंगे। अभी 5 बजे अगर यहाँ से गाय लेके जाएंगे फिर छोड़ेंगे फिर वापस आएंगे, बच जाएंगे 6:30, तो फिर मैं कब रेडी होऊंगा, 7:30-8 की बस है मेरी, रुक जाओ। हाँ कहाँ से वहाँ पे, तो इधर ये वाली गाय इधर हकल दे बस भाई, ओ वाह वाड़ा के अंदर चले जाएंगे फिर से। चलो कौन सी का, उसको क्या करूँ, तो उसको कुछ डालना पड़ेगा, नहीं कुछ डालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना चलता है यार, क्यों बेकार है। अपनी जर्सी को यहाँ पे बांध दिया, जर्सी जो है कि आराम से इसमें चरती है, देखो टूट पड़ी है, शाम को जो है कि फुल हो जाती है जर्सी जो है चरने के लिए होता है, तो भाई इसको बहुत मजा आता है, लेकिन गाय के साथ नहीं जाएंगे, वो बहुत दिक्कत देंगे रास्ते पे। ये जो है कि भाई बहुत मारती है अपनी गिर गाय को, सिंह जो है कि उसके नोकीले हैं, तो इसकी वजह से इसको नहीं भेजते, नहीं तो चरती बहुत है। इतना घास जो है कि इसको डाल देते हैं, ले ले इतना खा ले, खा ले,
क्योंकि गाय दोस्तों आज यह साइड गई है और अपनी इसको बंद करना है सामने वाले कार कंपन में। फिलहाल जो है कि दोस्तों चलते हैं, पहले सेविंग वगैरह करवा के आते हैं, फिर अगला काम जो है उसे स्टार्ट करेंगे। गाय जो है कि उधर से चर के आ गए हैं दोस्तों, और अभी महेश भाई जो है कि लेके जा रहा है बाहर को। बंद कर देना इसको, हाँ नहीं तो फिर हाँ। चलो दोस्तों मैं सेविंग वगैरह करवा के आ गया हूँ, कटिंग का करना भरने के लिए जाना है, उतना फटाफट से भर के आते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं गुजरात। फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी अंकल जी फिलहाल जो है कि दोस्तों मैं निकल गया हूँ अभी गन्ने की कटिंग का जो गन्ना है वो भरने के लिए। सुबह जाके आया था लेकिन कोई और आके भर के लेके गया है, तो थोड़ा जल्दी मुझे निकलना पड़ा। अभी एक भी साइड का जो है कि मामा की गाड़ी का मिरर नहीं, दोनों साइड के मिरर जो है ये टूट गए। देखो अब पीछे देखना है तो कैसे देखूँ मैं, क्या है मामा का काम जो है ना दोस्तों ऐसा है कि क्या बताएं आपको, वो तो पहले से टूटा था, ये भी तोड़ दिया, ये रहा देखिए। अभी मैं थोड़ा घायल में हूँ और फाटक जो है कि बंद है, क्या करे, खोल दो यार जल्दी, मुझे आज बहुत काम है। चलो दोस्तों अभी जाने के बाद पता चलेगा कोई भर के तो नहीं लेके गया, पहले तो भर के लेके गए थे। अब जो है कि दोस्तों दिन भर से ऐसी भागदौड़ चालू है, सुबह से भाग रहे हैं। तो है कि दोस्तों अभी बज रहे हैं कॉम्प्लेट 4 और मैं गया था 1:30-2 बजे, और अभी गाड़ी भर के आ गया हूँ, काटा वगैरह कर लिया है, अभी चलता है सीधे घर पे, ब्लॉग शूट करने के लिए टाइम मिला नहीं। कल जो है कि दोस्तों मस्त वाला जो है कि एकदम धूप पड़ा है और इतनी बांडी और इतनी कुटी लेके आ गया हूँ मैं। अभी फटाफट से बांडे यहाँ पे खाली कर देते हैं, कुटी टेक्टर के नीचे टेक वहाँ पे खाली कर दी दोस्तों, ये भी खाली कर दी है गन्ना यहाँ पे, बांडी वहाँ पे खाली कर दी, पोवर मामा की गाड़ी वहाँ पे लगा दी है, थोड़ा गन्ना उसमें पड़ा है और थोड़ा डाल देंगे और पोवर मामा को जाने देंगे। पोवर मामा को बोलो आप थोड़ा खिलाओ, वो भाई गिरा दिया। तेरी टकोरी फोड़ेगा दोस्तों, आज गया था आज तेरे घर के, इसको गिरा दिया दोस्तों। आज जो है कि बारिश नहीं सूख गए तो फिर मस्ती पे आए, बहुत दिनों से जो अकड़ गए थे सब घर में थे। अरे हर बार वो तो गिरते रहता है, आए बस हो गया, चलो अभी खेलना कूदना, आप घर पे जाओ, इसको लेके जाओ, ये नहीं सुनेगा, सब सुनेगा लेकिन ये नहीं सुनेगा, आगो घर पे आगो करे, ले जा, आयो आयो ले जा, अरे 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 चक्कर आ जाएंगे, अरे चक्कर आ जाएंगे, अरे भागो चलो घर पे, चलो ए ए ए घर पे जा, बहुत डांस कर लिया तूने, घर पे जाओ। चलो दोस्तों अभी जो है कि पोवर मामा की गाड़ी में जो है कि थोड़ा बांडी और थोड़ी कुटी अंदर रहने दी है, अब चलते हैं। चलो इनकी क्या हरकत चालू, जरा देखूं मैं, अन ले लो घर पे। चलो दोस्तों अभी जो है कि फटाफट से चलते हैं, पोवर मामा की गाड़ी जो है उनको दे देते हैं, फिर जो है कि बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे काम है गुजरात में अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में जो है कि दोस्तों हमारा एक सॉन्ग का शूट है, और सॉन्ग का शूट में हमें पहनना है हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस, तो उसके लिए मुझे इस बार जो है कि पिछली बार हमारा जो सॉन्ग आया तो उसमें जो है कि भाई फॉर्मल कपड़े थे, और इसमें जो है कि हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो इस बार ट्रेडिशनल ड्रेस साथ में लेके जाना है यहाँ से, और इस सॉन्ग में मज़ा आएगा क्योंकि दोस्तों सॉन्ग जो है कि एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में शूट होने वाला है, अलग ही अंदाज में, और मज़ा आएगा दोस्तों।
तो सॉन्ग कैसे हम शूट करते हैं और सॉन्ग के पीछे भी कितनी मेहनत है वो हम आपको बताएंगे। तो अभी वो सब आपको पता चल जाएगा। अभी ये ब्लॉग कितना लंबा होगा वो तो पता नहीं भाई। एक तो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा या फिर कल का ब्लॉग तो जो है कि अहमदाबाद का आने वाला, क्योंकि कल तो मैं अभी शाम को निकलूँगा, कल सुबह 6-7 बजे तो अहमदाबाद में रहूँगा, तो कल का ब्लॉग वही आएगा। हो गल माथा, रास्ते में से हटो। क्योंकि अभी सुबह है ना दोस्तों, अभी किशन भाई के वहाँ भी बहुत सारे, किशन भाई के वहाँ पे अभी इतनी अच्छी जगह नहीं है, तो वो भी जो है कि पेड़ के नीचे बांध देते हैं। अब देख सकते हो जैसे ऐसे, यहाँ भी देख सकते हो। तो फिर क्या है कि जैसे सूख जाता है तो फिर वो आराम से सूखने के बाद जो है कि रास्ते पर ही बैठ जाती है गाय। यहाँ भी जो है कि मुझे थोड़ा घास मिल गया है, तो मैंने बोला अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो पोपट मामा के लिए थोड़ा लेके जाते हैं। मामा के लिए थोड़ा घास, मामा की गाय के लिए थोड़ा घास ले लिया, मामा के लिए नहीं, थोड़ा पड़ा था तो मैंने बोला चलो डाल देते, थोड़ा लेके आया और थोड़ा रहने दिया हमारे लिए। कल हरी भाई को बोलूँगा, कल हरी भाई आके लेके जाएगा। तो ज़्यादातर गाय दोस्तों ऐसी होती हैं, यहाँ पर शेड वगैरह की सिस्टम बहुत कम है। जो है कि दोस्तों मामा की गाड़ी जो है उसको ये घास वगैरह भर के आ गया है, मामा ने आके भैंस वगैरह बांध दिया है। अभी अपन चलते हैं फटाफट से घर पे। ये भैंस जो है कि दोस्तों मैंने एक बार आपको इसकी बीमारी बताई थी, चारों पैर जो है कि उसके सूज जाते हैं, लेकिन ये बीमारी लंबी चली थोड़ी, लेकिन अभी चारों पैर की सूजन जो है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी जो है कि वो दोनों पैर जो है कि आगे करके बैठती है। जैसे ये देखो ये पैर कैसे करके बैठी है अगले वाले, वैसे वो ऐसे करके बैठती है, वैसे सूजन वगैरह एकदम ओके हो गई है। फिलहाल जो है कि दोस्तों घर भी आ गए हैं और गाय आ गए हैं, अब फटाफट से गाय जो है उन्हें बांध देते हैं। चलो आज कोई कीचड़ वगैरह नहीं है, चलो चलो गुच्चू बढ़िया, चलो महेश भाई तू बांधने लग जा फटाफट से, माँ तुम्हें ऊपर। जो है कि दोस्तों गाय बांध दिया है और आज जो है कि दिन भर बारिश नहीं था तो पूरा सूख गया है। फटाफट से मिल्किंग कर लेते हैं दोस्तों और फटाफट से रेडी होते हैं, सुबह से भाग दौड़ है दोस्तों। कौन सा हंडू, हंडू बाकी, चल हंडू को मैं बांध देता, यहाँ पे तो बैठ जाएंगी दोस्तों, बांध दे उसको लास्ट में, हंडू को यहाँ पे बांध देंगे, यहाँ पे कल बैठ गया था हंडू आराम से। चलो दोस्तों अभी फटाफट से जो है कि भाई मिल्किंग खत्म, अभी तक जो है कि दोस्तों 6 गाय की मिल्किंग बाकी है और 6 गाय की मिल्किंग हो गई है। हम जो है कि ऐसे 14 गाय की मिल्किंग करते थे, उसमें से 2 गाय जो है कि अभी हमने 1 टाइम कर दिया, सिर्फ एक ही टाइम मिल्किंग कर दिया, एक टाइम बंद कर दिया। उसमें जो है कि पहले आती है बाड़ी और एक वो साइड है, 2 गाय जो है कि अभी शाम के टाइम मिल्किंग बंद कर दिया, सिर्फ सुबह ही करते हैं। तो अभी 6 गाय की मिल्किंग बाकी है तो फटाफट से ख़त्म करते हैं। मिल्किंग मेरे हिस्से का हो गया है, 3 गाय हरी भाई की बाकी है, फाइनली पूरा काम ख़त्म हो गया है। अभी फटाफट से नहा धो के रेडी होते हैं फिर निकलते हैं। फिलहाल जो है कि दोस्तों नहा धो के हो गए हैं रेडी और अभी यहाँ से निकल गए हैं। हरी भाई आ रहा है मुझे छोड़ने के लिए और साथ में दूध भी है। डायरेक्ट नासिक तो नहीं आएगा, यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे एक लोकल बस स्टैंड है, वहाँ से मैं सिटी बस पकड़ के चला जाऊँगा नासिक, और नासिक से फिर अपने को मिल जाएंगी लग्जरी सीधी अहमदाबाद। चलो फिलहाल जो है कि दोस्तों हरी भाई दूध दे के आ गए हैं और अभी फिर से बूंद बूंद बारिश स्टार्ट हो गया है। ये साइड से जो है कि बस आ गई, वैसे ही बस ये साइड से आएंगी, अब कब आएंगी पता नहीं। हरी भाई मुझे बोल रहा है कि भाई तुझे आगे तक छोड़ देता हूँ, मैंने बोला नहीं कोई ज़रूरत है नहीं भाई इतना दूर तुझे आने की, क्योंकि यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे जाना है। मैंने बोला मुझे बस यहाँ से मिल जाएंगी, तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं अभी कब तक बस आती है। हरी भाई को बोला कि तब तक रुक नहीं, मेरी बस छूट जाएंगी यार, ये छूट गए तो चलेंगे लेकिन अगले वाले नहीं छूटनी चाहिए। हरी भाई ध्यान रखना, चलो गाड़ी आ गए। चलो यहाँ से जो है कि दोस्तों अभी मुझे थोड़ा पैदल जाना है, यहाँ से लगभग ज़्यादा नहीं है 500 या 800 मीटर होगा, उतना पैदल जाना है। ये सिटी बस का लास्ट स्टॉप है ये वाला निमानी, अभी यहाँ से 500 मीटर आगे जाते ही हमें मिलेंगी लग्जरी। फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे कर रहे हैं बस का वेट। सामने जो है कि एक बस आ रही है दोस्तों, श्री हरी।